बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति द्वारा जैविक कार्यशाला की जा रही है। हमारे संवाददाता विक्रम पटेल ने डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व कैबिनेट कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, से जैविक खेती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धरती हमारा मूल आधार है, धरती स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। हम सब लोग रसायनों के अधिक उपयोग से मित्र जीवों को नष्ट कर रहे हैं। रसायनों के अत्यधिक उपयोग से अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमें जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस तरह की कार्यशाला से निश्चित तौर पर किसानों को जैविक खेती के लिए नई जानकारियां व प्रोत्साहन मिलेगा। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। अभी संबंध में आएगा आपको, जो हमको जो काम सौंपा गया संगठन ने जो सौंपा है, जिसको मैं आप लोगों के बीच में करने, क्योंकि सत्र थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों किसी को भी उबाऊ लगे, दो निसंकोच बोलिए, कोई संकोच की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई पराया नहीं है, आप अपने अपनों के बीच में बोलिए। मैं उम्र में कई लोगों से बहुत छोटा हूँ, अनुभव में भी कई लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये पद का दायित्व है जो संगठन ने मुझे सौंपा कि इन सारी चीजों को बाध्यताओं को मैंने किनारे रखा, इसलिए आपको भी संकोच नहीं करना, खुला डिस्कशन करिए, जिज्ञासाओं को लिखित रखिए, जब जो है मेरा संबोधन हो जाए आप हमसे जिज्ञासा पूछिए, सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस मंच के माध्यम। तो हम लोग मूल मुद्दे पे आए और व्यवसाय से जानना चाहेंगे कि कृषि जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, यहाँ पे मिट्टी का भी परीक्षण किया जा रहा है, वो आपने प्रदेश में किस तरह से कृषि को उन्नत बनाने के लिए कार्य किया है? देखो, जो धरती है ये मूल आधार है और इससे पानी का संबंध है, इससे हवा का संबंध है, इससे आसमान का ये सारा रिलेशनशिप है और उसका मूल आधार है धरती। जब तक धरती की सेहत ठीक नहीं होगी जी, तब वातावरण के जो पंच तत्व हैं ये सब इनका डिसबैलेंस हो जाएगा और जब ये डिसबैलेंस होगा तो फिर सारी जो विभीषिकाएं हैं आज हम कोरोना फेस कर रहे हैं, ये केवल हमारी गलत उसका परिणाम है जो हमारी लिविंग सिस्टम है और जो हम काम कर रहे हैं दैनंदिन, उसके कारण ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अब आप देखो नदियों की स्थिति देखो, आप जमीन में भी जो रासायनिक खादों को भर दिया है, हम जहर बो रहे हैं और जहर खा रहे हैं, तो धरती की जो सेहत है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से हमने नष्ट कर दी है। और इसलिए जो अभी आप कर रहे हैं मिट्टी के सैंपल ले गए, हमने सबसे पहले यही काम किया था, वहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनाना शुरू किए थे, देखे जमीन कहाँ कैसी है। तो जमीन में एक तो हमने उसकी पूरी शक्ति जो है वो ले ली, यूज़ कर ली और उसको जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनको हम दे नहीं पा रहे हैं। अब पोषक तत्व जो हैं भरे हैं सब एटमॉस्फेयर में, लेकिन उन पोषक तत्वों को खींच करके धरती में लाने वाला कौन है? वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कैसे वो मल्टीप्लाई होता है? वो होता है गाय के गोबर, गोमूत्र और ह्यूमस से। तो जब तक हम इस धरती के भीतर जी, इसीलिए हमारे वेद में शास्त्रों में दो चीज़ों को बड़ा महत्व बताया है, यानी कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष। तो अब वृक्ष भी कट रहे हैं और गाय भी कट रही है, अब हम इधर स्वर्ग कैसे बना सकते इसको? तो ये दो चीज़ों का युग में जो है ये जरूरी है, तो इसके कारण हम धरती की सेहत को ठीक कर सकते हैं। अब जब हम अब आप ये जो केंचुआ है ये डारमेंट स्थिति में चला जाता जी। आप यदि गोबर का खाद, ये जैविक खाद यदि इसमें अप्लाई करेंगे तो वो सुसुप्त अवस्था से जागृत होकर ऊपर आएगा। वो केंचुआ तो ऐसा है कि बिना आपको यानी बिना मजदूरी के तुम्हारे कम से कम चार बार वो दिन में जोत देता तुम्हारी जमीन को। तो ऐसे जो तुमसे पारिश्रमिक भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे तुम्हारे काम में लगे हुए हैं, उनको हम रासायनिक खादों से मार रहे हैं जी।
है ना, तो हमें जैविक की ज़रूरत है। और जो आप लोगों ने ये जो जैविक की कार्यशाला कर रहे हैं, ये आज के युग में श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो सबको मरना पड़ेगा। अब देखना आप, ये रासायनिक खाद और दवाइयों की वजह से आपकी मधुमक्खी मर रही है जी, जी। मधुमक्खी मरेगी तो 5 साल बाद आदमी भी मर जाएंगे जी। उसके भीतर यानी जो वो आपके फसलों को जो तुम्हारा फूलों पर बैठती है तो हाँ वो परागीकरण करते हैं, फिर उसमें दाना पड़ता है। तो अब ये परागीकरण कैसे होगा जी। तो ये कीट पतंग भी हम मार रहे हैं, जो हमारे मित्र जीव हैं उनको हम मार रहे हैं दवाइयों से, और जो हमारे दुश्मन हैं, जो फसलों के दुश्मन जीवाणु हैं, उनके ऊपर रासायनिक खादों का कोई असर नहीं पड़ता। तो उनकी फौज बढ़ रही है, हमारी जो रक्षक सैनिक हैं वे ख़त्म हो रहे हैं, हम खुद ख़त्म कर रहे हैं। तो जो हमारे मित्र जीव हैं जी, वो हैं नॉन वेज जी, जी। और जो हमारे दुश्मन हैं वे वेजिटेरियन हैं, तो वो हमारी फसलों को खा जाते हैं और हमारे ये हैं नॉन वेज। तो ये यदि बढ़ते हैं तो उनके अंडों को, उनकी इल्ली को ये खा जाते हैं, तो अपन को अपने मित्र जीवों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये बायो कंट्रोल से भी हम इसको कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा, जैसे हमने एक प्रयोग किया, 1 लीटर गोमूत्र 1 लीटर नीम का काढ़ा दोनों को मिला दिया और 20 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में छिड़काव कर दिया। यूरिया की आवश्यकता नहीं है, ना दवा।